लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मोजा शाहपुर तिगरी वार्ड नंबर 1 पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यहां पर रहने वाले क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पानी की निकासी भी बंद हो चुकी है। कई बार क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत करने पर भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र की जनता ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से मांग करती है कि हमारी भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया जाए। उपरोक्त नगर निगम मुरादाबाद की भूमि पर पानी निकालने व रास्ता खुलवाने की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर जल्दी ही हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र के क्षेत्रवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ओमकार सिंह एडवोकेट के साथ संजय अशोक, परम सिंह, मनी, जितेंद्र, ओम प्रकाश, विजय पासी, सुभाष चौहान, संजय गांधी, विक्रम, कमलेश, जगबती, सुषमा, ओमबती आदि लोग मौजूद थे। नाम है आपका? ये मेरा नाम ओमकार सिंह है और मैं लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कहां किया गया? आज ये नगर आयुक्त कार्यालय नगर निगम मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले ये कार्यक्रम है। गांव शाहपुर तिगरी जो नगर निगम वार्ड नंबर 1 में आता है, जिसकी गाटा संख्या 144 और 150 पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया। अभी भी ट्रैक्टर चल रहे हैं। इस जमीन से जो गांव वाले हैं निकलते हैं, इनके पानी निकलता है। अवैध कब्जा होने से इनका पानी बंद हो गया, पानी का निकासी बंद हो गई है, रास्ता बंद हो गया है। ये जमीन नगर निगम जहर इंतजाम नगर निगम की है, लेकिन ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। इनको कई बार शिकायत हम दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई भूमाफियों के खिलाफ नहीं, बल्कि भूमाफियाओं से हम साज हैं। आज भी 25-30 बदमाश वहाँ जो है डंडा लेकर, लाठी लेकर, वहाँ खड़े और अवैध कब्जा करा रहे हैं। ट्रैक्टर चलाया है भूमाफियों का। तो इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? पुलिस को भी दी है, DM साहब को भी दी है, कप्तान साहब को भी दी है, SDM को भी दी है, नगर आयुक्त पहले से भी दे चुके हैं हम। तो इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये सारे के सारे भूमाफियाओं से हम साज हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती क्या रहेगा आगे? तो हम नगर निगम पर जो है धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे हम।